दिवाली निबंध 10 लाइन। दीपावली को दीपों का त्योहार या दीपोत्सव भी कहा जाता है। दिवाली भारत के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है, जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस अवसर पर हिंदू अनुयायी मिट्टी के दीपक जलाते हैं और अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। बच्चे इस त्योहार पर पटाखे जलाना और विभिन्न तरह के आतिशबाजी जैसे फुलझड़ियां, रॉकेट, फवारे, चक्री आदि बहुत पसंद होते हैं। हिंदुओं में इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। इस दिन सभी लोग अपने दोस्तों और पड़ोसियों को मिठाइयां और उपहार देते हैं। दीपावली संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। दीप यानी अवली, दीप का अर्थ होता है दीपक, तथा अवली का अर्थ होता है श्रृंखला, जिसका मतलब हुआ दीपों की श्रृंखला या दीपों की पंक्ति। यह हिंदुओं के सबसे प्रिय और आनंददायक त्योहारों में से एक है, जिसे अन्य धर्म और संप्रदाय के लोग भी आपस में मिलजुल कर मनाते हैं।